हेलो बाइक लवर्स, आ गया है होंडा साइन एसपी, जो आप देख सकते हो एसपी 125 न्यू वर्जन में आ चुका है। और इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूं, और इस बाइक में बहुत सारा अपडेट भी हुआ है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। चैनल में नया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फिलहाल बाइक आप देख सकते हो, सामने जो है हेडलाइट आपको एलईडी के साथ देखने को मिल जाएगा, और जो वाइजर है ये आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लैक फिनिशिंग कलर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इधर मकड़ी बैठा हुआ है, वह मकड़ी को हटा देते हैं। फिर से आप देख सकते हो इधर जो है ये ग्लोसी कलर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा इसका वाइजर। और इधर आप देख सकते हो थोड़ा सा साइड में आपको एक कार्बन ब्लैक का एक फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। तो इस बाइक का जो फ्रंट हेडलाइट है ये थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन का आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर आप देख सकते हो एलईडी एक सिंबल किया गया है, तो ये एक बड़ी सी एक चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। इग्निशन ऑन करने के बाद ही ये हेडलाइट आपको जलने का देखने को मिल जाएगा, तो ये एक बड़ी सी एक चेंजेस है। इंजन ऑफ है फिर भी ये लाइट जल रहा है इसका हेडलाइट। पहले मीटर कंसोल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका मीटर कंसोल कैसे ऑन होता है। तो इस बाइक का जो मीटर कंसोल है ये ऐसे ऑन होता है, और इस मीटर कंसोल में आपको मतलब इधर फ्यूल मीटर दिखाता है, और इधर स्पीडोमीटर, टाइम, गियर पोजिशन इंडिकेटर, और दोनों इधर जो है ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगा। जो है ट्रिप वन, इधर आप देख सकते हो ट्रिप वन और ट्रिप बी के नाम पर इधर दोनों ट्रिप मीटर इधर दिखाता है, और एवरेज जो है मतलब एवरेज माइलेज भी इधर शो करता है, जो आप देख सकते हो। तो ये है न्यू होंडा एसपी 125, और इधर आप देख सकते हो कि E20 इधर स्टिकरिंग भी किया गया है। और E20 का मतलब आप लोग नहीं जानते हो तो E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथानॉल के साथ ये बाइक आपको आगे चलते हुए मिल जाएगा। मतलब ये जो है पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा तो ये बाइक भी चल जाएगा, ऐसा नॉर्मल पेट्रोल में भी बाइक चलेगा, और 80% पेट्रोल और 20% इथानॉल के साथ भी ये बाइक चलने वाला है। फ्रंट टायर है ये आप देख सकते हो कि इसमें आपको 100x80 का टायर देखने को मिल जाएगा, जो है ट्यूबलेस। और रियर टायर के बारे में बात किया जाए तो रियर टायर जो है थोड़ा सा मोटा और चौड़ा कर दिया गया है। इसका ही सबसे कंप्लेंट था कि होंडा साइन एसपी में पीछे जो टायर है थोड़ा सा पतला है, छोटा है, लेकिन अभी ये जो टायर है ये थोड़ा सा बड़ा साइज का कर दिया गया है। जो है 100x80 का टायर इधर आपको देखने को मिल जाएगा। इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि इधर कहाँ लिखा है ये वाला, जो इधर आप देख सकते हो कि बड़ा सा अक्षर में इधर आपको देखने को मिल जाएगा 100x80 का ये जो है ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। तो ये है एक बिग अपडेट, मतलब इसमें ही आपको इसका ही कंप्लेंट जो था सबसे बड़ा सा एक चेंजेस इस बाइक का आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, इसका जो टेल लाइट है ये बल्ब में ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो डिजाइन किया गया है ये एलईडी का ही डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो है टर्न इंडिकेटर ये भी आपको बल्ब में ही मिलेगा, लेकिन मुझे लगता था कि इसमें भी ये चेंज कर दिया जाए तो भी ये बहुत बढ़िया हो जाता था। दाएं वाले पोर्शन में इस बाइक का जो है लुक देख लेते हैं, इसमें आपको एक चेंजेस देखने को मिल जाएगा जो है इसका साइलेंसर। आप देख सकते हो इस बाइक का जो साइलेंसर है ये थोड़ा सा छोटा और स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसका जो पहले साइलेंसर था मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कैसा था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि कैसे दिख रहा है छोटा सा साइलेंसर इधर, और बाइक का लुक भी चेंज कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जो है होंडा इधर आपको देखने को मिल जाएगा, होंडा का लोगो ये 3D लोगो के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और जो है टैंक काउल जो है ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, और इधर जो है एक फाइबर का पार्ट जो है ब्लैक कलर का इधर आपको देखने को मिल जाएगा। टैंक जो है 11 लीटर का फ्यूल टैंक इधर आपको प्रोवाइड करता है कंपनी, और जो है सीट भी ये बहुत बढ़िया सीट इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो है बाइक का जो लुक्स परफेक्ट है, और इस बाइक में थोड़ा सा ग्राफिक्स का भी चेंज कर दिया गया है। जो है एसपी 125 इधर जो है लिखा गया है ये वाला जो है इधर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्राफिक्स चेंज किया है कंपनी। पीछे जो है हाइड्रोलिक मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, और जो है फ्रंट में सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेरिएंट जो है दो वेरिएंट में ये बाइक आता है, डिस्क और ड्रम वेरिएंट।
तो ये जो है बाइक डिस्क वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। सामने इसका जो डिजाइन है ये थोड़ा सा सेम ही है। इसका जो है टर्न इंडिकेटर ये बल्ब में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और 125 सीसी ये बाइक है। फिलहाल इस बाइक का जो प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है इस शोरूम में 1,400 से लेकर 500 तक इस शोरूम में आपको प्राइस मिल जाएगा। तो शोरूम का डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और फिलहाल चेकआउट कर सकते हो, तो इधर आके भी बाइक परचेस कर सकते हो। चलिए गाइस, और एक वीडियो भी मिलते हैं और एक नया बाइक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।